हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स वाला। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। ठीक है मेरे भाइयों, बस आप लोग अच्छे से पटाखे फोड़िएगा, अच्छे से खूब ढेर सारी मिठाइयां खाइएगा और इसके साथ ही साथ सभी बड़े जनों का अपना आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, जिससे कि आप बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है ना, तो ये करना नहीं भूलेंगे और ज़रूर कुछ दिन भी पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है ना, नहीं पढ़ेंगे, लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन पढ़ने से थोड़ी सी ज्ञान में वृद्धि आती है, तो इसलिए ज़रूर आप पढ़ेंगे। कि मैं ये नहीं कहता बहुत सारा पढ़िएगा, पर आधा एक घंटा जरूर बैठ के पढ़िएगा। कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस, चाहे मैथ पढ़िए चाहे अनदर सब्जेक्ट पढ़िए, मैं तो आपको स्पेशली मैथ पढ़ाता हूँ तो चैनल पर। बाकी और भी मेरे सब्जेक्ट मन कहे आपको मैथ में लगाव है तो मैथ में जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं कि इंटरेस्टिंग करते जाए मैथ को, जिससे कि आपके लिए बेहद मज़ा आने लगे आने वाले समय में। ठीक है ना सर, तो चलिए सर जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो दीपावली के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिए, क्वेश्चन है एक्सरसाइज, जैसे हमारा 12.3 चल रहा था, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये कहा गया इन फिगर ए बी सी डी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड जो है 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है सर जी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको साइड गिवन है सर, लिख लीजिए। ये डायग्राम बड़ा सुंदर सा दिया गया है, 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ए बी सी डी, सर्कल का जो ये चार सेंटर सर्कल है आपस में क्या है सर, एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनके सेंटर दिए गए हैं कि ए बी सी डी जो है बेसिकली आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और इन सभी को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो एक वो स्क्वायर फॉर्म कर लेती है, ए बी सी डी की स्क्वायर बन जाता है, जिनका बेसिकली साइड जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब इन्होंने कहा कि बेसिकली जो सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल, आप देख रहे हैं कि बेसिकली हाँ क्या कर रहा है, एक दो सर्कल मतलब एक पर्टिकुलर सर्कल दो सर्कल को क्या करना सर टच कर रहा है। ठीक है ना, तो फ्रॉम द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन, मेरा भैया इसका एरिया निकालना है, बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें, बस आपको क्या समझना है। तो एक बात बताइए सर जी, यदि आपको यहाँ पे बेसिकली साइड का स्क्वायर साइड दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो बात ही सर है, देखिए जरा ये क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ईच एंगल क्या होता है सर 90 डिग्री होता है, वाली पिक्चर में ईच एंगल क्या होता है सर 90 डिग्री होता है, और ये हर क्या है एक सर क्वाड्रेंट है, और अब यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो रेडियस पता चल जाए तो बात बन जाएगी, तो रेडियस ऑफ सॉल्यूशन में आ जाएगी सर जी। तो रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में आप बात करेंगे, तो रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा सर, मीन साइड का हाफ हो जाएगा, है ना, भैया डायमीटर बन जाएगा ना सर्कल का, देखिए हाफ है या नहीं, तो इस तरीके से AD बाई कितना हो गया 2 हो गया, दैट मीन्स रेडियस कितना आ गया 14 बाई 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना आ गया सर 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गया रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। तो यदि आप एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 टाइम्स एरिया ऑफ, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है ना, चार है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को क्या करना है माइनस कर दें, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बिल्कुल क्लियर हो गए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे सर जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस बेसिकली 4 टाइम्स क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सभी का एरिया क्या होगा सर सेम होगा, क्योंकि सबका रेडियस सेम है, तो आप कोई भी बेसिकली आप क्वाड्रेंट मींस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को भी टेक कर सकते हैं, क्लियर हो गया सर जी। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा सर, साइड इनटू साइड हो गया मेरे भैया लोग, क्लियर है ना, माइनस 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब एक तरीके से सेक्टर फॉर्म हो रहा है माइनस, तो थीटा अपन क्या कर सकते हैं 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, और जब आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख दिया है तो आप 1/4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात, वैसे भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, साइड इनटू साइड किया तो सर 14 इनटू 14 आपका हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इनटू थीटा कितना होता है, ईच एंगल स्क्वायर का जो होता है 90 होता है, तो आप वैसे भी देख सकते हो 22/7 हो गया, रेडियस आपको दिया गया सर 7 आया हुआ है सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इस तरीके 14 कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है सर, अब इस तरीके से 4 इंटू 90/360 किया सर जी कितना आ जाएगा 1/4 आ गया, 22/7 क्या हो गया सर जी, देखिए रेडियस का स्क्वायर मेरे भाई, तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू जो आ गई मीन्स 22/7 मीन्स आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्वायर है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, माइनस 22 का टेबल 7 बार पढ़ लिया तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है,
अब माइनस कर दीजिए सर, वही आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ये और पर्टिकुलर पार्ट आ जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 9 में से 5, 42 सेंटीमीटर का क्या है सर स्क्वायर, 1 में से 1 गया, 0 आ गया। तो देखो भैया कितना ही सिंपल तरीका क्वेश्चन था, बस आपको केवल और केवल माइंड में बेसिक बातें रखनी है छोटी छोटी, जो एरिया मतलब जो क्वाड्रेंट का फार्मूला, सेक्टर का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला, ये सब बातें याद रखनी। बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो चलिए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बस बारीकी से क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करते जाइए, सीखते जाइए, बिना परेशान हुए मेरे भाई लोग। ठीक है ना, परेशान बिल्कुल ही नहीं होना है, केवल क्वेश्चंस को डे बाय डे आपको सीखना है। ठीक है ना, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं सर 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इन फिगर डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। तो सर जी बात है कि फिगर दे रखा है, तो फिगर बनाने का पहला सिलसिला जारी करते हैं सर जी। ये इस तरीके से सुंदर सा सेमी सर्कुलर ट्रैक है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए अब ये आपको सेमी सर्कुलर ट्रैक है, बीच में इस तरीके से आप मान सकते हैं, बीच में क्लियर हो गया ना भैया, ये सुंदर सा रीजन दिया गया इसका। अब ये पूरा शेडेड रीजन है सर, ये क्या है पूरा शेडेड रीजन है, आप इसे शेडेड रीजन बना लीजिए इस तरीके से, आपको ये शेडेड इसका एरिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझना कि लेफ्ट एंड राइट। ठीक, आगे आपसे फिर ये कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस। तो अब ये सर जी इस तरीके से ये आपका सेमी सर्कुलर रीजन है, तो इसको इससे ब्रेक कर ले रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपके लिए। अब इनको हम नामकरण कर लो सर, ए बी सी डी, ठीक है, आगे ई एफ, यहाँ पे आपको नाम दे देना अभी जी एच आई जे, और कुछ बचा क्या, यहाँ नाम दे दो के, यहाँ पे एक नाम दे दो एल। बिल्कुल क्लियर होगी, ये सब कुछ नामकरण आपने ऐसे कर लिया क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें निकालने। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सर जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस जो है लाइन सेगमेंट 60 मीटर, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इनर वाला, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर आपको सर गिवन है। बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि एंड दे आर ईच जो है 106 मीटर लॉन्ग, इनकी जो लेंथ दे रखी है सर जी वो कितना है 106 मीटर का क्या है लेंथ आपको दे रखा है। 106 मीटर का क्या सर जी लेंथ दे रखा है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक की जो विड्थ है वो आपकी कितनी है सर 10 मीटर विड्थ आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 10 मीटर की आपको ये सर विड्थ होगी। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने कहा द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना इनर एज के बेस पे कि वो ट्रैक का कितना होगा। ठीक, तो जरा सिंपल सी बात है सर, देखिए सर इनर एज आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा सर, फर्स्ट पार्ट आपको पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है आपको निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। अब ध्यान दीजिएगा मैं लिख रहा हूँ सर द डिस्टेंस, आप लिखेंगे डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस अराउंड द, डिस्टेंस अराउंड द, अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज आपको निकालना है मेरे भाई लोग। बात है सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल निकालेंगे सर, आप आपने पढ़ा होगा कभी क्लास मतलब 6 से पढ़ते आओगे पेरीमीटर, क्या निकालना सर पेरीमीटर निकालना। तो आपको पेरीमीटर बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो देखिए सर ये आपका एक सेमी सर्कुलर रीजन बन रहा है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, और इस तरीके से बीपीसी पेरीमीटर हो जाएगा, तो पेरीमीटर आप क्या लिखेंगे ए के डी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सर दो आपके बेसिकली सेम है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए के डी प्लस आप लिखेंगे सर पेरीमीटर ऑफ, ध्यान से समझना सर पेरीमीटर ऑफ, दूसरा क्या लिखेंगे बी सी बी एल सी, क्या सर जी बी एल सी प्लस, अब आपका एक लेंथ ये हो गया सर, ये लेंथ बचा तो ए बी प्लस क्या कर देंगे सर सी डी लिख देंगे, ए बी प्लस क्या लिख देंगे सर सी डी लिख देंगे। बोलो आया सर समझ में, तो ये आप टोटल लेंथ जोड़ दीजिए तो आपके पास आपने पढ़ा होगा सर जी पेरीमीटर के बारे में, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर जी, देखिए टोटल सर्कल का बेसिकली जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, मतलब सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वही आपका क्या होता है पेरीमीटर कहलाता है। तो टोटल लेंथ जो होता है सर्कल का 2πr होता है, तो यदि हाफ पार्ट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, इस तरीके से बेसिकली आपका ये भी πr हो गया, दूसरा वाला पार्ट भी दोनों ही सेम रहेगा ना सर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या सर 60 है, तो रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ इनर सर्कल की बात करेंगे, रेडियस ऑफ ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ इनर सर्कल के बारे में बात करें, तो ये चीज ऊपर निकाल ले रहा हूँ सर आपके लिए, रेडियस ऑफ इनर सर्कल की बात करें सर ध्यान देना मेरे भैया लोग, इनर सर्कल
तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC, ये डायमीटर का काम करेगा इनर सर्कल के लिए। तो इस तरीके से BC बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डायमीटर का हाफ, तो 60/2 मीटर, दैट मींस कितना आ गया, 30 मीटर आ गया आपका इनर का। ठीक, इसी तरीके से रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल का निकालेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल मतलब ठीक है ना, तो उसे कैपिटल आर मान लेते हैं। तो देखिए सर, जरा ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो लेंथ है सर, ई आई क्या कहलाएगा सर, ई आई जो है वो आपका आउटर का गल। तो देखिए 30 मीटर रेडियस इधर आ गया और ये सेंटर लेट सपोज मान लीजिए यहाँ का ये, तो ये 10 मीटर वाइड है, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 30 + 10 कितना हो गया, तो रेडियस इनर का प्लस ये जोड़ दिया 10 मीटर, तो इस तरीके से 40 मीटर आपका आ जाएगा आउटर सर्कल का। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, तो रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल का कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 40 मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर, लेट सपोज ये सर्कल का सेंटर है, तो ये 30 मीटर हो गया और ये वाला जो रीजन आ गया वो 40 मीटर हो गया, 10 मीटर जोड़ दिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो प्लस AB कितना सर, 106 मीटर है, प्लस ये आपका कितना सर जी, 106 मीटर है। बोलो क्लियर है, आप यहां पे वैल्यू पुट कर दिए, AB कितना है 106 और ए आपका DC भी कितना है 106 है। ठीक, अब मेरे भाई पाई मतलब कितना, 22/7 रेडियस कितना आया सर, पिक्चर में देखिए सर 30 मीटर आपका दे रखा है, तो आपका 22/7 × 30 कितना हो गया, 7 × 30 हो गया, प्लस 106 + 106 जोड़ लिया तो आपका 212 हो गया। क्लियर है भैया लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से जरा ध्यान से समझने की बात ये है कि टोटल लेंथ आपको निकालना था, तो ये तो फ्रैक्शन में जा रहा सर, पाई की वैल्यू कुछ भाई 22/7 करना। ठीक है, तो चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं, 22 का टेबल तीन बार पड़ा तो कितना हो गया, 6 दोनों 2 टाइम्स है सर, तो 2 × 22/7 × 30 दोनों सेम पैटर्न है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 200 कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। अब आप टेबल पढ़ लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, 22 का टेबल 0 पड़ा 0 हो गया, 22 टेबल 660 हो गया, और इसके बाद 2 × 7 प्लस कितना हो गया, 212 हो गया, मीटर हो गया आपका। इस तरीके से सॉल्व करें तो 0 0 हो गया सर जी, 2 6 12 हो गया, 2 6 12 प्लस 1 कितना होता है, 2 0 0 2 6 12 हो गया, 2 6 12 प्लस 1 13 हो गया, अपान 7 हो गया, प्लस 212 आपका आ गया, इसके बाद मीटर हो गया। अब इसको यदि आप सॉल्व करें तो आपका 7 का टेबल पढ़ लिए, 13 20 प्लस आपका जो है 7 2 14 7 1 7 7 + 1 8 हो गया सर जी, और इसके बाद 7 2 14 तो 14 का 14 ये रहेगा, अपान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया सर जी। अब आप जोड़ लीजिए तो 0 4 4 हो गया सर जी, 8 2 10 हो गया, और इसके बाद 4 3 7 हो गया, सॉरी कैरी दिया ना सर, 8 2 10 हो गया, 4 3 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और इसके बाद 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 8 0 4 अपन कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। बोलो आया सर समझ में। अब जो जरूरी नहीं है कि आप डेसिमल में निकालो, मन के जो 7 से डिवाइड करेंगे निकल गया 7 4 28 फिर 4 आ गया, 7 4 आ गया, और फिर इसके बाद मन के डेसिमल में निकालना चाहते हो निकाल दो, नहीं नाराज हो जाओगे आप लोग, ये भी वैसे बुक में आपका आंसर यही आएगा, 7 4 28 हो गया। अब 28 हो गया तो इसके इसमें आपका 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली 0 0 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 0 4 हो गया सर, आगे 0 आ गया। अब इसके बाद फिर अगेन आप करोगे सर जी, फिर से नहीं जाएगा, तो 0 हो गया, 40 हो गया सर, डेसिमल 4005 ऐसे आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, ऐसे चलता है, तो 4005.57 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये हो गया सर, टोटल मतलब ट्रैक का लेंथ आ गया। अब अभी बेसिकली क्या निकालना सर, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना, एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब ये वाला पार्ट निकालना, क्लियर है कि नहीं। तो बात है सर ये कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है तो किस तरीके से निकलेगा वो आपको ध्यान से देखना होगा, भले इतना बताओ समझ में आ गया कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है, ठीक है हटा दें। चलिए सर आगे ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, क्लियर है मेरे भाई लोग, चलिए हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखिएगा सर, सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है आपका, बेसिकली आपका सेकेंड पार्ट इसमें आपसे बोला गया था एरिया ऑफ ट्रैक बताइए। तो देखिए सर ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल, इसकी विड्थ जो है आपका 10 मीटर है और लेंथ आपका 106 है, तो 2 टाइम्स रेक्टेंगल हो गया। आप देखिए सर जी यहाँ इसका एरिया, हमें इस ट्रैक का एरिया निकालना, तो बड़े वाले से काम, बड़े वाले सेमी सर्कल में से स्मॉल वाले सेमी सर्कल को क्या कर दें सर, माइनस कर दें, तो ये ट्रैक का एरिया जाएगा 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि जो इधर होगा वही सेम इधर होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल टू 2 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा आप यूज करो सर जी, आपका ई, यहाँ पे जे पांडे, ई जी आई, क्या लिख रहे हैं सर जी, ई जे आई माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सर जी, ए के डी, ये हो गया, प्लस आपका जो है 2 टाइम्स एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल, दोनों क्या होगा सर सेम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई भी लिख लीजिए, ए बी एफ ई लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई, बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, ए बी एफ ई, ठीक। अब इस तरीके से टू इन टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई जे आई की आपने बात किया सर जी, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ई जे आई ध्यान दीजिएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मान लेते हैं उसको रेडियो, और स्मॉल वाले को पाई स्मॉल आर स्क्वायर मान लेते हैं, प्लस टू टाइम्स एल इंटू क्या मान लिया सर विड्थ मान लिया, क्लियर। तो टू इंटू पाई आपका सर क्या है कॉमन है बाहर कर लीजिए, इसके बाद आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, प्लस आपका टू इंटू एल लेंथ आपको दे रखा सर 106, विड्थ आपको दे रखा सर 10 मीटर का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 22 बाई क्या करेंगे सर 7 कर देंगे, रेडियस आर का स्क्वायर, आर मतलब कितना सर 40 है, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 2 इंटू 106 और 10 है तो आपका बेसिकली कितना हो गया ये यहाँ से देखिएगा 210 20 हो गया, तो 26 आपका मतलब 2612 हो गया, 212 आपका बन गया टोटल, देख लीजिए ऐसे डायरेक्ट 212 हो गया, बाकी 010 से आ गया तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 2 इंटू 22 अपन 7 हो गया सर, एक बार इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें तो 40 माइनस 30 ब्रैकेट में हो गया, 40 प्लस 30 एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस 2120 मीटर का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो सर जी आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में 2 इंटू 22 बाई 7 हो गया, अब इसके बाद 40 माइनस 30 जो है सर 10 आएगा, और इसके बाद 40 प्लस 30 जो है वो आपका कितना आएगा सर 70 आएगा, प्लस आपका 2120 मीटर का क्या आगे सर स्क्वायर, ठीक। अब 7 10 जो कितना होता है 70 होता है, कैंसिल हो गया, 220 कितना हो गया सर 44 हो गया, और इसके बाद जो 10 एक यहाँ से आ गया सर 440 हो गया, मीटर का क्या बन गया सर जी स्क्वायर बन गया, प्लस 2120 मीटर का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, यानी कोई दिक्कत इसमें, ये सेंटीमीटर दोनों आपके पास आ गए, ठीक। अब इसके बाद जो सर जी आप पिक्चर में जरा ध्यान से मेरे भैया लोग समझना, इस क्वेश्चन को नहीं गलत हो जाएगा आपका, जरा देखिए 2 into 22 किया सर, एक 10 यहाँ से था एक 10 यहाँ से था आपका, तो एक जीरो और बढ़ेगा सर 4400 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब आप इसे ऐड करिए, 0 0 0 हो गया, 0 2 2 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया सर, 4 2 कितना हो गया 6520 मीटर का क्या बन गया सर स्क्वायर, बोलो सर क्लियर है या नहीं, ठीक। 22 44 हो गया, 10 10 100 हो गया, इसलिए 2 0 यहाँ से आया है, ठीक है ना, 2 1 2 0 आज की। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन आपको क्या करना था सर सॉल्व करना था 8 का सेकंड पार्ट, जो कि काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा मेरा भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल एकदम राइट भी, बस ये क्या कहीं कहीं ना थोड़ा बहुत सिलेबस ये जल्दी से बारो करते हैं तो उसमें इधर उधर हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे सर, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको केवल समझना सर, ठीक है ना, बोलो आगे सर समझ में कोई दिक्कत इसमें, तो आज के लिए बस ये पर ड्रॉप करते हैं सर जी, क्योंकि दीपावली हमें भी बेसिकली दीपावली मनाना है, तो चलिए सर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।